जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में आता है आगरा का पंछी पेठा, और दूसरा हमारे जहन में आता है आगरा का ताजमहल। और आज इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ आगरा के ताजमहल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो अभी मैं पहुंच गया हूं ताजमहल के वेस्ट गेट के पार्किंग एरिया में, और ये जो सामने आप चेक पॉइंट देख रहे हो, यहां से एंट्रेंस है। सो दिस इज़ वन ऑफ माय ड्रीम प्लेस, जहां मैं एक बार जाना चाहता था, एंड फाइनली आज मेरा ये ड्रीम पूरा होने जा रहा है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताजमहल, तो चलो अब सीधा अंदर चलते हैं। चेक पॉइंट क्रॉस करते ही आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ई रिक्शा से जा सकते हो इन लोग की तरह, और यह है वो चेक पॉइंट जिसके भी मैं बात कर रहा था। दूसरा जो ऑप्शन है, आप पैदल चल सकते हो मेरी तरह। तो अभी जो टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 1:30 बज रहे हैं दिन के, और आप देख सकते हो रास्ता जो है ऑलमोस्ट पूरा खाली लग रहा है। तो चेक पॉइंट क्रॉस करते ही आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा, और अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ टिकट काउंटर के पास। इस पॉइंट के बाद आप टिकट चेक करवाने के बाद ही एंटर कर सकते हो। तो अगर आप टिकट बुक करवाना चाहते हो, या तो आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो, या फिर QR कोड स्कैन करके। तो आप देख सकते हो यहाँ से भीड़ भरना भी शुरू हो गई है। सो आफ्टर चेकिंग प्रोसीजर, दिस इज़ द फर्स्ट व्यू जो आपको देखने को मिलेगा। ये जो बोथ साइड आप बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पर शाहजहाँ के टाइम से एक मीना बाज़ार लगता था, जो अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्राइजेस जो है वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो जैसे जैसे अब मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे क्राउड भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ये है फोर कोर्ट एरिया, मतलब फोर गेट फोर गार्डन। फर्स्ट गेट वेस्ट गेट, जहाँ से मैंने एंटर किया है। सेकेंड गेट इज साउथ गेट। थर्ड गेट इज ईस्ट गेट। एंड लास्ट गेट इज रॉयल गेट, जो आप सामने देख रहे हैं, जिसका मतलब है शाही दरवाज़ा। और ये जो आप छोटे छोटे रूम देख रहे हैं, ये टोटल 212 रूम है, जहाँ पर शाहजहाँ के कारीगर आराम किया करते थे। ईस्ट वेस्ट साउथ, इसमें से किसी भी गेट से आप एंटर करते हो तो आप इस जगह पर आकर पहुँचोगे, जो है इस जगह का सेंटर पॉइंट। और यहाँ से आप सामने देख सकते हो रॉयल गेट, जिसे शाही दरवाज़ा भी कहते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ ताजमहल का प्यारा सा व्यू, जिसे देखने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तो दिस इज़ द फर्स्ट व्यू जो आप शाही दरवाज़ा क्रॉस करते ही ताजमहल का पहला व्यू देखते हैं। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था उस टाइम पर, कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। आप सभी ने ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। जो लोग इस जगह को देख चुके हैं, उन्हें दोबारा देखने की इच्छा होती होगी, और जिन्होंने नहीं देखा, उनका तो ये एक ड्रीम प्लेस होगा मेरी तरह। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको ताजमहल से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। शाहजहाँ ने अपनी सभी पत्नियों में प्रिय मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनाया था, इसलिए इसे मुमताज का मकबरा भी कहा जाता है। इस जगह से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस जगह पे 16 बगीचे हैं और 53 फाउंटेन्स हैं। इट मीन्स ताजमहल जो है 1653 में बनके तैयार हुआ था। ये जो आप पानी के बीच में जगह देख रहे हो, कहा जाता है कि इस जगह पर बैठकर शाहजहां ताजमहल को बनते हुए देखा करते थे। सफ़ेद संगमरमर से बना यह महल असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था,
और यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने इसका निर्माण कराने के बाद अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि कोई और इस ताजमहल जैसी इमारत ना बना पाए। ये जो आप इमारत देख रहे हो यह है मस्जिद। आपको बता दूं इसके आगे जाने के लिए आपको जो है 200 रुपीज़ का एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ता है, 10 रुपये के आपको शू कवर भी पहनने पड़ेंगे। तो इसके बाद जो है वो मैं पहुंच जाता हूं ताजमहल की मेन इमारत में जो मार्बल से बनी है। 42 एकड़ में फैले इस अद्भुत ताजमहल को बनाने में करीब 20,000 मजदूर लगाए गए थे और 22 सालों में ये ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। यह ताजमहल का एंट्रेंस गेट जहाँ से आप अंदर जाते हो मुमताज महल का कब्र देखने। आपको बता दूं अंदर जो है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट कुछ पार्ट है अंदर जो मैंने शूट किया। ताजमहल का गुंबद बनने में 15 साल लग गए थे, बाकी 7 साल में जो है ये काम पूरा किया गया था। इस दौरान 1,000 हाथियों से काम लिया जाता था जो संगमरमर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। एक और बात, अंदर जो आप कब्र देखते हो वो जस्ट एक स्ट्रक्चर है, मेन जो कब्र है वो तहखाने में है जहां आप एंट्रेंस अलाउड नहीं है। ये एग्जिट पॉइंट जहां से अभी जस्ट मैं बाहर निकला हूँ, और बाहर निकलते ही मैंने जो व्यू देखा वो किसी ड्रीम से कम नहीं था। सामने आप देख सकते हो यमुना रिवर, और व्यू के बारे में तो क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में एक सपना है या फिर एक हकीकत। अभी जस्ट मैं ताजमहल से एग्ज़िट किया है, और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यह है ताजमहल का बैक पार्ट, और मेरे पीछे आप देख रहे हो यह है यमुना रिवर। तो बेसिकली ताजमहल जो है यमुना रिवर के राइट साइड में बना हुआ है, और ये 74 एकड़ का जो है एरिया कवर किया है इसने, जिसमें कि 4 मेन गेट हैं और एक म्यूज़ियम है, और मेन ताजमहल की जो बिल्डिंग है वो है। ये जो सामने आप छोटा सा सीमेंटेड ग्राउंड देख रहे हो, दिस इज़ द ताज व्यू पॉइंट जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ताजमहल देख सकते हो। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा कि ये जो बिल्डिंग है 1634 में बनी है। तो अभी तक जो है ये जगह मुझे काफ़ी प्यारी लग रही है,
और मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं धूप काफ़ी तेज है और भीड़ भी आज काफ़ी ज़्यादा है। तो फिलहाल अब जो है एग्जिट करते हैं यहाँ से। ये थे वो कुछ आखिरी पल जब मैं ताजमहल को आखिरी बार देख रहा था और मुझे दिल से काफ़ी बुरा लग रहा था। आपको बता दूं यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पे आपको ताजमहल से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, तो आप डेफिनेटली म्यूज़ियम भी विज़िट कर सकते हो। और मैं वेस्ट गेट से एंटर किया था और अब इसी गेट से बाहर जा रहा हूँ। और मैं सही में बताऊँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसा मैं कोई अपनी कोई चीज़ पीछे छोड़ कर जा रहा हूँ, और लिटरली मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी जो है वो मैं वहीं पहुँच गया हूँ जहाँ से मैंने ये जर्नी शुरू की थी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट।